Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Kamini Singh. तो इतने दिनों से मैं आप लोगों के साथ कोई ब्लॉग या वीडियो कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो सोचा कि आज एक मौका मिला है. और मौका, आप लोग सोच रहे हो कि मौका कैसा मिला वीडियो के लिए, तो अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ. एक्चुअली मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, ब्लॉग ही इसे बोलोगे, और वो भी आपके जीजू या भैया जो भी आप लोग बोलते हो उनके साथ. एक्चुअली जो आज मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो आप लोगों के मन का भी है, क्योंकि आप लोगों को बहुत बार कमेंट आया हुआ था कि दी आप ये जो भी अभी मैं दिखाऊंगी वो खुद बताएंगे, ये चीज़ आप हमारे साथ शेयर करो. तो आज मैंने देखा, बता देती हूँ, आज मैंने उनको देखा कि वो बैठ के शादी का एल्बम देख रहे हैं. मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ उनका फेस का एक्सप्रेशन. तो शादी का एल्बम देख रहे हैं, और कब से आप लोग मुझसे बोल रहे थे कि दी अपनी शादी का एल्बम जो है वो हमसे शेयर करो, दिखाओ, फोटो दिखाओ. तो मैंने सोचा कि आज मौका अच्छा मिला हुआ है, वो भी बैठ के देख रहे हैं, तो आप लोगों को भी क्यों ना दिखा दूँ. तो देखो कैसे शेयर कर रहे हैं. अभी मैं कैमरा बैक कैमरा करती हूँ, ये फ्रंट. तो ये देखिए, दूर बैठे आपकी जीजू एल्बम देख रहे हैं. क्या हुआ, पुरानी बातें याद आ गई क्या? बड़े खुश नजर आ रहे, खुश हो ना? देख रहा हूँ. देख लो. इससे पहले कितना अच्छा था ना, बेवकूफ बना दिया आपके घर वालों ने मुझे. शादी हो गई तो बेवकूफ बना दिया? हाँ देखो, मेरा सुख चैन छीन गया ये देखो. आप लोग कमेंट करना, इनका सुख चैन छीना है या मेरा. एक्चुअली हम ये दोनों साथ बैठकर और ये एल्बम इस तरीके से शूट करे ताकि आप लोग को ये एल्बम भी अच्छे से दिख जाए और ये भी दिखे और मैं भी दिखूं, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. कोई अगर एक और कोई जने होता वो शूट करता तो शायद ये पॉसिबल था. इसलिए मैं सोच रही हूँ ये मेरा कैमरा संभालेंगे और मैं ये फोटो आप लोगों को दिखाती हूँ, बीच में ये आप लोगों से बातें भी करेंगे. ठीक है, आप लोगों को ये एल्बम जो है फ्रंट आप लोग देख चुके हो, बैक भी देख चुके हो. तो इसको दिखाने से पहले मैं आप लोग को एक और चीज दिखाना चाहती हूँ. और तो मैं दिखाना चाहती थी हमारी जो शादी की सीडी है वो ऐसे बनी हुई है, ऐसे सारी फोटो पास करके देखो, ये सारी ऐसे फोटो बनी हुई है इस पे, और ये भी इधर है ना सुंदर सा, और ये रहा सीडी, इन सब पे भी ऐसे फोटो बना हुआ है. ठीक है, इसके साथ एक और बहुत अच्छा सा चीज बना के दिया था जिसको मैंने अभी तक संभाल के रखा है, वो ये है. थोड़ा टूट फट गया था, ये उस साल का कैलेंडर है, इसमें डेट वगैरह था और हमारी पूरी पिक लगी थी शादी की और रिसेप्शन की, तो जितना भी तरह से था सबके अलग अलग ऐसी पिक लगी हुई है. ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था कैलेंडर, एक साल तक हमने अपने घर में भी टांग के रखा था इसे, अब इसकी जरूरत नहीं. तो अब आओ, अब देखते हैं हमारा जो शादी का जो ये एल्बम है इसे सबसे पहले ये देखते हैं, उसके बाद रिसेप्शन वाला देखेंगे. तो ये रहा, पास से दिखो, देखो देखो कौन अच्छा लग रहा है, आप लग रहे हो हमें. ये देखो मैं अच्छा लग रहा हूँ, ये देखो मैं किसी महारानी से कम लग रही हूँ. देखो महाराजा के साथ हो तो महारानी तो लगोगी ना. ये देखो क्या लिखा हुआ, एवरी लव स्टोरी इज ब्यूटीफुल बट आर इज माय फेवरेट. और ये मैं शायद जो हमारा थंबनेल होगा शायद उसमें मैं ये वाली पिक डालूंगी जहां ये लिखा होगा एवरी लव स्टोरी इज ब्यूटीफुल बट आर इज माय फेवरेट. तो ये आपने देख लिया, सेकंड नंबर पे ये सीधा दिखो. तुमने इतने अच्छे तरीके से हमारी फोटो ली थी, तुम जैसे उससे ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं. और नेक्स्ट ये वाली फोटो दिखो, ये देखो जी जी जी, यहाँ देखो कैसी थी मैं, कैसा बना दिया मुझे, कहाँ फंस गई हूँ मैं. ये देखो नहीं दिखा रहा है. इधर दिखाओ, इधर 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 इधर, इसमें जिसको जिसको आप लोग पहचानते हो उसको उसको पहचान लेना. चलो आगे बढ़ते हैं. ये देखो मम्मा बच्चा को, क्यूट सी मम्मा का क्यूट सा बच्चा, जूम करो देखो मम्मी 4 साल पहले कैसी थी. हाँ जी, मेरी शादी को 4 साल नहीं 5 साल होने वाले हैं. ये वो रस्म है जो हमारे में बोलते हैं इमली घोटाना और पानी पिलाना भी. तो मम्मी के 7 भाई हैं और 7ों भाई एक्चुअली रियल 7 नहीं है, 2 सगे हैं और चाचा वाचा के हैं, तो वो सगे जैसे ही हैं. तो 7ों भाइयों ने मिल के मम्मी को पानी पिलाया था, ये रख के और ये जो पानी पिला था. और ये इनके बहनोई साहब, एक्चुअली इनके बहन के ये देवर हैं, जो बहनोई हैं वो दुबई में रहते हैं तो उस टाइम उनको टाइम नहीं मिल पाया था तो नहीं आ पाए थे, और इनको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो. मेरे पापा जी को देखो कितने गुस्से में, बारात थोड़ी सी लेट हो गई थी इस वजह से जल्दी जल्दी हमारी शादी भी हुई, फटाफट सारा विधि कर दिया. हाँ ये रही इनकी बहन,
चना और बूढ़े लेके घोड़े को खिलाने जा रही है, जो डर गई थी खिलाते टाइम पे। डांस इसके आगे का दिखाते हैं, ये सब तो एक ही जैसे चढ़ गए घोड़े पे। देखो और यहाँ देखो मेरी नंदो, हाथी। हाथी पे ये कौन है? ये अंकित, ये अंशु। ये देखो ये मेरी वो नना जिनकी शादी हो गई है। देखो 4 साल पहले ये लोग कैसी थी, अन्नू पूजा और प्रीति। कैसी थी ये, कितना चेंज हो गई है ना। ये मेरी मौसी जी को देखो कितनी खुश है शादी में, डांस कर रही है। टिच, टिच। ये मंदिर में, और ये मेरी गाड़ी जिससे मैं आई थी, और ये रहा बारात घर जहाँ हमारी शादी हुई थी। टिंग 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 टिंग, दूल्हे राजा की बग्घी देखो, ये इनकी बग्घी है। और यहाँ देखो ये मेरा भाई बड़ा वाला जो इनको उतारने आया है बग्घी से। और इस मामी को आप लोग पहचानते ही होंगे, अभी छठ पूजा में आप लोगों ने हमारे साथ देखा होगा। ये मामा जी हैं, यहाँ पे ये हो रहा है। आप लोगों को पता होगा द्वार पूजा जो बोलते हैं, शादी वाले दिन होता है लड़की के द्वार पे, वो वाला हो रहा है। यहाँ शायद मामा जी को निन्नी आ गई है सो गए। और ये मैं बता दूँ, ये ऐसा लग रहा है ना ये अपने दामाद को गुस्से में देख रहे हैं मेरे पापा, पर इनको नहीं देख रही है। अलग अलग दोनों फोटो एक साथ डाला हुआ है। क्यों देख रहे हैं भाई आपको पापा इतने गुस्से में? ये देखो यहाँ पे पापा और ये, और ये रहे दूल्हे राजा। इस साइड इनकी बहनें हैं और इस साइड इनकी सालिया है, बट इधर एक बहन भी आ गई है। सालिया थोड़ी कम पड़ गई थी ना, इसलिए बहन भी इधर आ गई है। और बीच में महाराज जी खड़े हैं और यहाँ पे डांस कर, मतलब आप लोगों को देख के पता चल रहा होगा कि शादी में, शादी से मैं ज्यादा खुश थी कि आपके जीजू ज्यादा खुश थे। देख लो फेस ही देख के आप लोगों को पता चल जाएगा कौन ज्यादा खुश था। ये देखो खुशी का कोई ठिकाना है। मम्मी भी देखो डांस कर रही, इतने ओह स्माइल तो देखो मम्मी की। और इनको देखो यार कितने खुश थे ना आप मुझे पाके। बहुत काश मैं भी होती। और ये रही ब्राइडल एंट्री जो मैं नहीं दिखा, नहीं है इसमें फोटो में क्या, जहां से मैं एंट्री करी थी। हाँ, वो शायद वीडियो में है। हाँ वीडियो में है, वो बहुत अच्छा सूट है। और यहाँ पे ये मुझे ऊपर स्टेज पे लेके जा रहे हैं। देखो देखो यहाँ पे जयमाला, एक्चुअली उस टाइम वो ज्यादा ट्रेंड में था ना, वो गोल गोल घूमने वाला जयमाला, वही हमारा हुआ था। डिंग 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 घंटी जो बजती है। यहाँ पे इन्होंने मुझे माला पहना दिया। अच्छा ये मेरा हाथ पकड़ के आप मुझे ऊपर ले गए थे है ना? हाँ जी। फिर ये माला पहनाया था, ये माला पहनाया के फोटो ही है। ये यहाँ पे हम खड़े थे और ये उतरने के टाइम पे मुझे हंसाया गया था, मुझे डांस करवाया गया था यहाँ पे। आपने मुझे डांस भी करवाया था यहाँ पे मालूम। ये फिर ये मैं आपको लेके यहाँ से ऐसे ये उतरा था और लेके भाग गया था। लेके भाग गया था बिना शादी के, लेके भाग गए थे। हाँ जी चीज तो भी बाकी है जो ये लोग देखेंगे अभी। जिसमें सबको बहुत हंसी आएगी। आप इनका महारानी का फेस देखना, आपको पता चल जाएगा कि मुझे ठग लिया फरीदाबाद वालों ने, बंदरिया मेरे हवाले कर दिए। असली बंदरिया उसी में दिख रही हूँ। अभी 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 आएगी वो बंदरिया की शक्ल। एक्चुअली ये यहाँ पे कन्यादान हो रहा है, आप देख सकते हो पीली साड़ी। जो कि पहले मेरा मन था कि मैं पीली साड़ी पहन के ही अपनी शादी में बैठूं, बट वही चेंज वेंज करने कुछ झंझट नहीं। गर्मी कितनी थी अप्रैल में, इसलिए जो लहंगा पहना था उसी पे मेरी शादी हो गई थी। एक्चुअली मैंने आप लोगों को लहंगा के बारे में बताया नहीं, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, नहीं देखो तो बैक करके देख लेना। और ये एक रस्म होता है कोई हमारे में, जो दूल्हे को धोती दुल्हन की माँ पहनाती है,
तो ये मतलब जाना बहुत ही आराम से इजीली पहन लिए थे, कोई ना नुकुर नहीं किए थे, और मम्मी यहाँ पे बहुत ही आसानी से पहना दी थी। और अक्सर देखा गया है ऐसे हमारे यहाँ पे कि जो हमारे बिहार साइड के जो दामाद लोग होते हैं बहुत ना नुकुर करते इस धोती को पहनने में। ये तो बहुत आराम से पहने क्योंकि इन्हें पता ही नहीं होगा ये सब कुछ भी तभी तो कह रहा हूं कि मुझे ठग लिया दिल्ली आपके घर वालों ने। के बच्चे और ये कन्यादान, ये मम्मी को देखो यहाँ नीचे कितना रो रही है। यार कैसा टाइम होता है ना वो। ये देखिए, ये फोटो देखते देखते ये थोड़ी सी इमोशनल हो गई है मैडम हमारी। क्या हुआ कामनी जी? क्या कुछ नहीं, देखो ये देखिए इनको, ये गंगा जमुना सरस्वती सब आंखों से और नाक से सब जगह से इनका बह रहा है। ओले ले ले ले, ओले मेरा बाबू रे। ये देखो फेरा हो रहा है। अरे फेरा, फेरा ये देखो, ये एक जूम करो, ये हमारे में एक रस्म होता है ना, आप लोग भी कमेंट करके बताना आपके साइड भी होता होगा, वो जो सिल का बट्टा होता है, लोढ़ा जिसे बोलते हैं हमारे साइड, वो उस पे पैर दुल्हन रखती है और जो दूल्हा होता है वो 5 या 7 बार कुछ खींचता है और दुल्हन उसे दबाती है, वही वाला रस्म है। और यहाँ पे कोई ऐसा गीत भी साथ गाया जाता है कि पैर पे गिर गए या क्या ऐसे कुछ तो बहुत इंटरेस्टिंग रस्म लगा था मुझे ये, लेकिन बता इसके दो, बाद मैंने से मैंने एक ही बार जिंदगी किया था, 5-6 बार मैंने किया भी में नहीं था। हाँ पहले तो कर ही नहीं पहले मैं रहे कर ही नहीं रहा था, मैंने कहा मैं नहीं करूंगा ये। थे बाद में इनको पता चला ये रस्म है, इनको लगा कि मजाक कर रहे हैं सब, हाँ तो और ये मेरे को तो कर शादी करने का एक्सपीरियंस होगा ना, कि मुझे पता होगा सब चीज़, है देख के नहीं होता क्या। ना। और ये यहाँ पे वो पता नहीं धान की क्या अलावा क्या फेंकते हैं जो ऊपर है ना, हाँ वही हो रहा है। एक वहां पे क्या होता है जब कोहबर में जो करवाते हैं वो जो वहां, अब बच्चा देख बच्चा दे देते हैं नहीं ना जो गोदी ऊपर में। ऊपर वो लवा फेंकते हैं कि क्या फेंकते, घर भरवाते हैं जो, अच्छा, ये हमारा जो फेरा हो रहा था यहाँ पे, क्या कोई संकल्प वगैरह जो लिवाते हैं वो है ना। और ये देखो यहां मैं हो गई इनकी, हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे आप मेरे हो गए। मेरी मांगे यूं ही भरना तारे 1000 बनके। ये है ना ये शायद देखो लावा हाँ लावा वाला। नहीं, घर भरने का जो एक रसम होता है ये यहाँ पे शैतानी कर रहे थे। देखो मुझे स्माइल मेरी, देखो मैं हंस रही हूँ यहाँ पे, मुझे हंसी आ गई थी, ये कुछ मेरी चाची वाची, ये मेरी सिस्टर है, इन सबसे कुछ ऐसी बातें कर रहे थे मजाक, मुझे हंसी आ गई थी। और इनको बोला जा रहा था ना सास ससुर का घर भरो, तो कह रहे मैं अपनी मम्मी पापा का घर ये देखो ये यहाँ कितने गुस्से में बैठी हुई है मैडम, ये देखिए। हाँ यहाँ पे मेरी शादी हो चुकी है, आई थिंक सिंदूर डला गया है यहाँ पे हाँ दिख रहा है है शायद। ना। हाँ हाँ देखो यहाँ पे ये रहा ये देख, मेरा ये छोटा वाला मंगलसूत्र जो मैं कभी नहीं उतारती, हमेशा पहनी रहती हूँ, वो मेरी शादी हुई थी उससे इसलिए मैं हमेशा उसे पहनी रहती हूँ, सिंदूर ये रहा। और एक्चुअली अभी टूट गया है इसलिए मैंने उतार रखा है, अभी बन जाएगा तो फिर से मैं वही पहन लूंगी। ये आप लोग देखो मैं कैसी लग रही हूँ यार, सिंदूर पड़ने के बाद बिल्कुल फेस चेंज हो जाता है ना, देखो सब कुछ खोल दिया फिर भी मैं कितनी क्यूट सी लग रही हूँ, सुंदर सी, जूम करके देखो। और हाँ एक और बात बताना चाहती हूँ, मैं छपरा साइड की हूँ तो मेरे वहां पे ना मुझे लगा कि पिंक सिंदूर होता है, बट ये सिवान के हैं तो सिवान साइड मेरा ससुराल है वहां का सिंदूर येलो होता है। आप लोगों के साइड क्या होता है ये भी बताना मुझे। ये अभी बाद में देखना, ये मंडप में जो सुबह भात खाते हैं ना हाँ जी पैसे, इसमें एक भैया कोई थे जो हाथ में पैसे लेके बैठे थे, देखो कहाँ गए वो ये रही नहीं ये यही है वो शायद। नहीं वो सिर्फ वीडियो में है ऐसे लेके बैठे हुए, बाकी अच्छा सब लोग तो ले ही रखे, बट वो ऐसे लेके, ये वाले भैया ऐसे लेके बैठे हुए हैं वो दिख रहा था, ये और ये रहा देखिए, हमारा यहाँ देखिए, ये देखिए इनको, ये यहाँ पे असली ड्रामा शुरू। ये फोटो देख के तो अंदाजा लग ही गया होगा सबको कि मैं कितना रोई होंगी, ये अब बताना, मैं नहीं रो रही। इनकी विदाई। डोली में हुई थी मेरी विदाई, देखो मेरी डोली कितनी सुंदर थी मेरी विदाई, ये एक्चुअली मेरा नहीं, मेरी जो मम्मी है सासू मॉम है उनका सपना था कि मेरी विदाई जो है वो डोली में हो, तो
यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इन लोगों ने डोली भी किया था, मेरी विदाई डोली से हुई थी, उसके बाद में गाड़ी से घर आई थी। यहाँ मुझे बाद में पता चला, ये मेरे सिस्टर दिख रही है, ये सोच रही थी कि दीदी इतना रो रही है कि इधर से इसको डोली में बिठाएंगे, इधर से निकल के बाहर जाएगी, पर इधर से चाचा आके पकड़ लिए थे मुझे। बेटे सच में कितना इमोशनल सीन होता है ना, मेरे चाचा कितने रो रहे हैं, सब बस कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओ, बस बस। ये और लास्ट ही है। यहाँ पे डोली से शायद लाके मुझे, शायद पे डोली से लेके आए थे और यहाँ पे लाके मुझे गाड़ी में बिठा के और मुझे भगा दिया, जाओ जाओ अपने ससुराल, अब वहीं रहना। और फिर मैं आ गई, एल्बम खत्म। ये वाला जो एल्बम है काफी लेंथी हो गया, मैं आप लोग से बात करती रह गई और काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए रिसेप्शन वाला जो है वो मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो इससे अच्छा है बिकॉज हमने रिसेप्शन में डांस वगैरह सब कुछ किया था, तो वो वीडियो इससे, वो जो एल्बम और वीडियो है वो इस, मतलब शादी से तो अच्छा क्या हो सकता है, बट वो भी एल्बम बहुत अच्छा है, तो वो वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और कुछ नहीं, क्योंकि मैं इमोशनल हो चुकी हूँ अपनी विदाई का फोटो और पिक देख के। तो बाय बाय, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।